नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं देश में किस तरह से ईवीएम पर फिर घमासान छिड़ा है। विदेशियों ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। मुंबई में एक अखबार की खबर के बाद विपक्षियों ने खूब निशाना साधा, लेकिन चुनाव आयोग ने तमाम आरोप खारिज किए और कहा है कि ईवीएम को मोबाइल ओटीपी से अनलॉक नहीं किया जा सकता। मुंबई में ईवीएम का ये विवाद कहाँ तक पहुँचा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उस अखबार की जो झूठी खबर थी, उस खबर के आधार पर, उस खबर को उठा करके देश भर के नेताओं ने जिस प्रकार से ट्वीट किए और बयान जारी किए, स्टेटमेंट दिए, हमारी पहली मांग यह है कि उन सारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना के शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने एक साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे पर हमला बोला। ईवीएम को लेकर एक अखबार में खबर छपने के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया था। कल मुंबई के एक अखबार ने इस तरह की खबर छापी कि उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में जिस दिन काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव की, उस काउंटिंग के समय शिवसेना के जो विजयी उम्मीदवार श्री रविंद्र वायकर हैं, उनके कोई रिश्तेदार एक वहां पर मोबाइल लेकर खड़े थे, उस मोबाइल से उन्होंने ईवीएम को अनलॉक किया, उस मोबाइल पे ईवीएम का एक ओटीपी जनरेट हुआ और उसके जरिए एमवीए के उम्मीदवार को हराया गया। यह सरासर गलत इन्फॉर्मेशन थी, ये सरासर बकवास है और इस बकवास को पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से उठाया और एक फेक नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया, वो इस बात का सबूत है कि भारत में विपक्ष की राजनीति कितने निचले स्तर पर उतर गई। इस बारे में हमने कल बहुत सारी बातें कही थी। आज हालात ये है कि जिस अखबार ने यह खबर छापी और जिसकी वजह से पूरे देश में यह फेक नैरेटिव सेट किया गया, उस अखबार ने आज माफी मांग ली है या क्लारिफिकेशन दिया है। उस खबर को उठा करके देश भर के नेताओं ने जिस प्रकार से ट्वीट किए और बयान जारी किए, स्टेटमेंट दिए, हमारी पहली मांग यह है कि उन सारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट ने नतीजों को लेकर राजनीति अब और तेज हो गई है। मोबाइल ओटीपी से ईवीएम खोलने वाली खबर ने ईवीएम पर फिर सवाल खड़े कर दिए थे। चुनाव आयोग ने इस खबर को गलत बताया था और आज अखबार ने माफी भी मांग ली। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो ये जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। इनफैक्ट जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है, रिजल्ट बटन, वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है और वो पोल डे को जब ईवीएम सील होता है तब पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं काफी, और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन के अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम और प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से हारे अमोल कीर्तिकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपने क्या बोला है कि वो जो फोन है वो कई गुरु का है और उस फोन के अंदर एनकोर का कोड आता है और एनकोर का कोड कभी कभी लेना चाहिए। हर राउंड के बाद में जब भी आप उसके अंदर कुछ आंकड़े अपलोड करते हैं तो उसके वो टाइम पे आपको वो कोड लेना जरूरी है। तो 2 बजे के बाद में, अगर 2-2.5 बजे के बाद में अगर फ़ोन वो सेंटर से बाहर गया तो उसके बाद का कामकाज कैसे चला, तो कोई तो भी झूठ बोल रहा है। तो ये सब मसला है ना, वो संशयास्पद है। तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो गया है। किसी की हार और किसी की जीत ये मायने नहीं रखती। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी है वो तो फेयर हो गई है क्या, वही जनता जानना चाहती है। कोई 48 से जीतेगा या कोई 48 से हारेगा, लेकिन वो गलत हो गया है सही हो गया है वो हर जनता को जानने का अधिकार है। इसके लिए तो लोग उसके ऊपर संशय ले रहे। इस मामले में शिवसेना का उद्धव गुट लगातार गड़बड़ी की बात कर रहा है।
उद्धव गुट का कहना है कि वोटों की गिनती के समय सेंटर में हर एक राउंड के बाद वोटों का ऐलान किया जाता है, लेकिन 21वें राउंड के बाद ऐसा नहीं किया गया। आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की एक विषय गेले काही दिवस गाजत आहे, खास करून निवडणुकांचे रिझल्ट आल्यानंतर, निकाल आल्यानंतर हा विषय देशभरात गाजत आहे आणि काल परवापासून मला वाटतं जगभरात ह्याची चर्चा होत आहे। ती म्हणजे ईव्हीएम किती सुरक्षित आहेत, वापरायला पाहिजेत, नाही वापरायला पाहिजे, ते इलॉन मस्क त्याच्यावर स्वतः बोलत आहेत। इलेक्शन कमिशन आणि कौन बीजेपीची एक्सटेंडेड ब्रँच, हु इज इलेक्शन कमिशन? नॉर्थ वेस्ट का जो चुनाव नतीजा निकाल सामने आया है, तब से ये पूरा एक वादग्रस्त बन गया है, कन्फ्यूजिंग हो गया है। जिस तरह से अमोल कीर्तिकर शिवसेना के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, एक बार नहीं दो बार अमोल कीर्तिकर को दो बार विजयी घोषित किया, फिर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है और एक इलेक्शन ऑफिसर दिनेश गुरव का फोन लेकर, अंदर फोन लेकर जिसका ऊपर ओटीपी है या अनलॉक कर सकते हैं ईवीएम मशीन या छेड़छाड़ कर सकते हैं ईवीएम मशीन से, वो फोन लेकर शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। सीसीटीवी फुटेज पे दिख रहा है। रविंद्रनाथ सूर्यवंशी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, अब उनके ऊपर FIR लॉन्च किया। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वायकर को, टोटली इलीगल। इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता विलास पुटनिस के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईवीएम को लेकर ये पहली बार नहीं है कि उसके हैक होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बयान के बाद विपक्ष सरकार पर खूब बरस रही है, मगर सवाल ये है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए ईवीएम के हैक पर और मुंबई में मोबाइल से ओटीपी के द्वारा ईवीएम को खोलना कितना संभव है। मुंबई से सुजाता द्विवेदी, प्रवीण रोहित, राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल हुए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया सिन्हा ने कहा है कि इस हादसे में मालगाड़ी के चालक, सहायक चालक और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की मौत हो गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके चलते वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे के चलते अगरतला कोलकाता बाधित हुआ है। अब तक 19 ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं। दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता ने कहा है कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रेन के जो डिब्बे ठीक हालत में थे, उन्हें इंजन लगाकर सियालदा भेज दिया गया है। NDRF और SDRF मौके पर मौजूद हैं। हम इस वक्त रंगापानी में मौजूद हैं, उसी स्पॉट पर जहां पर ये दुर्घटना हुई, और इस वक्त आप यहां देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं यहां पर रंगापानी में। स्टेट रेस्क्यू टीम्स, नेशनल रेस्क्यू टीम सभी मौजूद हैं। मैं आपको ये विजुअल्स भी तमाम दिखा दूं, कानन दादा से अगर मैं बोलूं कि ये वाले विजुअल्स भी आपको दिखाएं, जहां पर ये जो इंजन है जो इस वक्त आपको यहाँ पर अपलाइन में दिख रहा है, इस इंजन को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये उनमें से एक इंजन है जो कंचनजंगा एक्सप्रेस में जाकर भिड़ा, और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ये जो ट्रैक्स हैं इनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। अभी जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि अपलाइन को रिस्टोर कर लिया गया है, लेकिन डाउन लाइन को रिस्टोर करने में वक्त लग रहा है, और इस समय हमें कहा जा रहा है कि लाइन खाली की जाए, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी ट्रेन भी आ रही है। क्योंकि देखिए अपलाइन को रिस्टोर कर लिया गया है, डाउन लाइन अभी भी रिस्टोर नहीं हुई है, उसके लिए इस इंजन को हटाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर तमाम रेस्क्यू ऑफिशल्स यहाँ मौजूद हैं, टॉप पुलिस ऑफिशल्स भी मौजूद हैं जो उन रेस्क्यू ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर रहे हैं, और इस इंजन को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरी तरीके से ये ट्रैक रिस्टोर कर लिया जाए। देखिए कई यहाँ पर आपको सीनियर NDRF ऑफिशल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो 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 इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए इन तमाम सोफिस्टिकेटेड मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है ताकि इस इंजन को यहाँ से हटाया जा सके। ये देखिए, ये है वो डाउन लाइन जिसकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, और ये बहुत ज़रूरी, एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक है, क्योंकि ये ईस्टर्न रेलवे को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे
तक कनेक्ट करता है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से जेसीबी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आज यहाँ पर हम काफ़ी, आपने देखा कि रेलवेज मिनिस्टर भी आए थे, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि ना सिर्फ ये एक कवच का फेलियर, क्योंकि कवच इस ट्रैक पर इंस्टॉल नहीं है, जो एंटी कोलिजन सिस्टम है वो इस ट्रैक पर इंस्टॉल नहीं है, उसके अलावा रेलवेज का ये कहना है कि ये ह्यूमन एरर था, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर जो कई आई विटनेसेस हमें ये बता रहे हैं कि जो मौसम की खराबी की वजह से एक कारण ये भी हो सकता है कि सिग्नल फेलियर, वो देखिए वो जाँच के वो जाँच उसकी करी जाएगी और उस पर प्रोब होगा, लेकिन इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर पिछले 9 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रात में ही ये डाउनलाइन भी रिस्टोर कर ली जाए। 9 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू जो ऑपरेशंस हैं वो हो चुके हैं, अब रेस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा 9 लोगों की मृत्यु हुई इसमें, जिसमें से एक असिस्टेंट लोको पायलट जो है वो अभी यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनका जो अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वेस्टिगेशन के मामले में। लेकिन रेस्टोरेशन का काम जारी है, बहुत ही दुखद दुर्घटना है और रेलवेज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रंगापानी से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। भगवान राम से श्री राम तक बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को NCERT की नई किताब से हटा दिया गया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। स्पष्टीकरण के तौर पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के बदलाव सालाना काम का हिस्सा है। देखिए रिपोर्ट। NCERT ने अपनी पॉलिटिकल साइंस की 12वीं कक्षा की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के नए एडिशन से बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने और BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली राम रथ यात्रा के संदर्भों को हटा दिया है। इस नई किताब में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है। इसमें राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया गया है। NCERT की क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में बदलाव पर स्पष्टीकरण देते हुए NCERT मैनेजमेंट ने कहा है कि टेक्स्ट बुक में बदलाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये वक्त की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। NCERT के डायरेक्टर के मुताबिक अगर स्कूली बच्चों को कम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है तो इससे हिंसक और हताश मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। समाचार एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज कर दिया है। NCERT के पूर्व निदेशक रहे JS राजपूत ने इस बदलाव का समर्थन किया है। आपको लगता है स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में कम्युनल राइट्स, दंगे या जो विवादित विषय हैं उनको हटाना जरूरी है? आपको देखिए इतिहासकारों का इससे बहुत मतभेद है, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं देश में हमारा जो 1969-70 के बाद जो इतिहास लिखा गया वह एक विशेष विचारधारा से प्रभावित था, इसे सारा देश मानता है। एक तरफ आप इतिहास को एक स्वरूप देते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा स्वरूप देते हैं, और आपकी जो विचारधारा है और जो आप करना चाहते हैं विचारधारा के अनुसार बच्चों को मोड़ना चाहते वो स्पष्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों को हटाना हम लोगों का कर्तव्य है और हटाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं जब नई पुस्तकें लिखा रहा था तो मैं पुराने इतिहासकारों के पास गया था, एक एक समय लेकर गया और मैंने उससे कहा कि जो सुझाव आए हैं पिछले 25 साल में उनको देख लीजिए और उस अनुसार परिवर्तन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं BJP के साथ काम नहीं करूँ। मैंने कहा मैं BJP नहीं हूँ, मैं NCERT की तरफ से आया हूँ। नहीं माने, अगले दिन मैं दूसरे के यहाँ गया, उन्होंने भी वही कहा, फिर मैं ठीक पास नहीं गया तो मुझे नए इतिहास का लेने पड़े। दरअसल लंबे समय से 12वीं क्लास की राजनीति शास्त्र की किताब में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने और अयोध्या से जुड़ी सामग्री को शामिल किया जाता रहा था। अब इस किताब में किए गए बदलाव पर कुछ जानकार सवाल उठा रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे छात्रों को भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में बदलाव का विरोध कर रहे शिक्षाविद ये मानते हैं कि ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं,
कि स्कूली पाठ्यक्रम में हिंसा या दंगों से जुड़े विषयों को शामिल किया जाए या नहीं, बल्कि ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनको स्कूली बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए। बच्चों को अपनी अतीत या अपनी हिस्ट्री पता भी होना चाहिए। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि मोगल इन्वेजन नहीं हुआ था या ब्रिटिश राज नहीं था या जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ था। सो बच्चे अगर इस तथ्य के बारे में जानेंगे तो उसको अप्रिशिएट करके अगर कोई वायलेंट इंसिडेंट हुआ है एंड सोशल डिसहार्मोनी हुआ है उसको कैसे डील करना है, ह्यूमनिस्टिक स्किल को कैसे सीखना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करना है, चैलेंजेस को कैसे डील करना है, उसके लिए हमें पास्ट को अप्रिशिएट करके फ्यूचर एक्शन बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दुनिया में कोई वायलेंट इंसिडेंट नहीं होता है या कभी कोई बुरा चीज नहीं होगा। ऐसे तो हम बच्चों को इंसुलेट नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में बदलाव कर एनसीईआरटी मैनेजमेंट ने इस मसले पर देश में एक नई बहस छेड़ दी है और ये बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। एनसीईआरटी कैंपस से मेरे कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लड़कियों के साथ यौन शोषण हो रहा था। सोशल मीडिया के जरिए इन्हें फंसाया जाता था, विरोध करने पर बेल्ट से पिटाई की जाती थी। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ढाई से तीन मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया, फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है, 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया, फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है, मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है। अपना दर्द बयां कर रही इस लड़की को ये मालूम नहीं था कि वो किस गहरे खाई में गिरने वाली है। सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर इनके साथ जो हुआ वो चौंकाने वाला है। इस अपराध में शामिल लोग नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करते हैं और फिर यौन शोषण करते, यहाँ विरोध करने पर इनके साथ जो होता इससे आपकी रूह कांप जाएगी। बेल्ट से मारने के अलावा कई तरह की यातनाएं इन्हें दी जाती है। इतना ही नहीं, लड़कियों की फोटो से छेड़छाड़ की जाती, उसे इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया जाता था। शिकार हुई पीड़िता को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो वो इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे तक पहुंची, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर अय्यारपुर थाना में मामला दर्ज हुआ, जिसमें DBR कंपनी के CMD सहित कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। प्राथमिकी में सुपौल के मोहम्मद इरफान, गोपालगंज के हरेराम, UP नोएडा के मनीष सिन्हा, मोतिहारी के एनामुल अंसारी समेत 9 लोगों को आरोपित किया गया। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो जरूर किया जाएगा। घटना को एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो ये दर्शाता है कि पुलिस और प्रशासन ऐसे संवेदनशील मामलों को कितनी तत्परता से ले रही है। मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर के साथ पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब दिल्ली के कंझावला से एक परेशान करने वाली खबर, जहां फादर्स डे के दिन एक पिता ने अपनी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की दूसरे जाति के एक लड़के से शादी करना चाहती थी, पिता को हरगिज ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद उसने ऐसा कदम गुस्से में उठाया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। नंद किशोर ने फादर्स डे पर अपनी बेटी की जान ले ली। रविवार को वो अपनी बेटी को नरेला से कैब में बिठाकर कंझावला की ओर एक खेत में ले गया और वहां
पेपर कटर से गला काट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को हत्या की जानकारी रविवार रात करीब 9 बजे एक राहगीर से मिली। हमें PCR कॉल के जरिए पुलिस स्टेशन कंझावला में इत्तला मिलती है कि चांदपुर गांव के फील्ड्स में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। इमीडिएटली हमने रेलिवेंट सेक्शन में केस रजिस्टर किया और केस को वर्कआउट करने के लिए मल्टीपल टीम्स बनाई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और इसके बाद उस कैब वाले को ढूंढ लिया जिसमें आरोपी बेटी को लेकर आया था। कैब बुकिंग की डिटेल से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। जब उसे पकड़ा गया तब वो दिल्ली से भागने की फिराक में था। आरोपी ने बताया कि उसकी लड़की की बिहार में दूसरी जाति के एक लड़के से दोस्ती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी जो उसे मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने लड़की को बिहार से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नंद किशोर मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। दिल्ली के प्रेम नगर में रहकर वो ग्लास कटिंग का काम करता है। जो लड़की जो थी, इनकी सबसे छोटी लड़की ये थी, इसका किसी लड़के के साथ कोई प्रेम प्रसंग था जो इंटरकास्ट था और जिसको जो फादर और फैमिली जो है अप्रूव नहीं कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में हत्या में किसी और की भूमिका सामने नहीं आई है। हत्या के बाद नंद किशोर भागने की ही फिराक में था, लेकिन पुलिस को समय रहते वो कैब बुकिंग के डिटेल मिल गए जिसके जरिए पुलिस नंद किशोर तक पहुंच गई। 21 साल की उसकी बेटी ने शायद ही ये कभी सोचा होगा कि उसका पिता फादर्स डे पर उसको मौत का तोहफा देगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और हिमाचल में गर्मी के बीच किस तरह से गहराता जा रहा है जल संकट, आपको दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए बात करते हैं हिमाचल की, जहां पड़ रही गर्मी से जल स्रोतों में पानी का स्तर कम हो गया है जिससे जल संकट गहरा गया है। लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 4-5 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके अलावा शहर की उपनगरों में लोग 5 दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जल प्रबंधन निगम का दावा है कि शहर में 2 दिन बाद पानी की सप्लाई आएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शिमला के शौचालय में भी पीने का पानी उपयोग में लाया जाता है, इस पर भी निगम अलग से पाइप बिछाने की योजना बना रहा है। शिमला में टैंकरों से भी पानी की सप्लाई की जा रही है। उम्मीद है जल्द बारिश होगी और पानी के संकट से निजात मिलेगी, लेकिन इस सप्ताह मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। और अब तस्वीरें आपको उदयपुर से दिखाते हैं, जहां निर्जला एकादशी के मौके पर कई जगह सांप्रदायिक सौहार्द नजर आया। लेक सिटी के पतंगबाज अब्दुल कादिर ने नज़ीर पेश की। कादिर ने अपनी टीम के साथ विशेष पतंगों से अपनी कला का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया की जीत के समर्थन वाली विशेष पतंग उड़ाई गई। इसके साथ ही तरह तरह की आकृतियों वाले पतंगों से आसमान जगमगा उठा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।